हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माइनर गेमिंग चैनल। सो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं एक हॉगलिन का फार्म जो पॉक्सशॉप और लेदर हमें देगा। मैं इसे अपने सर्वर वर्ल्ड में बना चुका हूँ, तो मैं इसे दोबारा बनाने जा रहा हूँ क्रिएटिव वर्ल्ड में। सो हमें सबसे पहले क्रिम्सन फॉरेस्ट की बायोम में जाना है। क्रिम्सन फॉरेस्ट उस ऐसा दिखेगा। देन हमें डर्ट चाहिए रहेगी, और मैं वैसे लिख दूंगा हमें क्या क्या चाहिए रहेगा, और हमें वार्ड फंगस चाहिए रहेगा, वो ऐसा दिखता ही है। तो डर्ट, वार्ड, फंगस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें, इनके बिना हमारा बन नहीं पाएगा। बाकी तो हम ओवरवर्ल्ड से चीज़ें ले सकते हैं। डर्ट भी ओवरवर्ल्ड में मिल जाएगी, लेकिन वार्ड फंगस हमें केवल इसी में मिलेगा। सो हमें सबसे पहले नेदर के रूफ में जाना है। तो नेदर के रूफ में जाने के लिए हमें बनाना पड़ेगा एक ऐसे करके, किसी ब्लॉक से अपना चढ़ते जाओ ऊपर। मैं उसको बता दूंगा कैसे हम जाते हैं, अभी पूरा मैं बता रहा हूँ कि हमें क्या करना है। ऊपर जाते रहना है, और हमें 127 बेडरॉक मिलेगा, और वो भी हमें वाई लेवल 127 वाला चाहिए रहेगा। सो ये बेडरॉक है। अब मैं इसकी लेवल देख लेता हूँ। F3 प्रेस करेंगे जावा एडिशन में तो हमें लेवल मिल जाएगा। टारगेटेड ब्लॉक राइट में लिखा आ रहा है, टारगेटेड ब्लॉक -86, -24, -18। सो हमें चाहिए 127 वाई का, तो हमें बगल से माइन करना स्टार्ट कर देना पड़ेगा देखने के लिए कि कौन सा ब्लॉक हमें 127 का मिल सकता है। जब तक हमें 127 वाला ब्लॉक नहीं मिलेगा, हमें माइन करते रहना है और देखना है। ये जैसे 126 है, तो हमें इसी के आसपास मिल जाना चाहिए, ऐसे ज़रूरी नहीं मिल जाए, बट हमें तब तक सर्च करते रहना है। ये जैसे ये मिल गया हमें 127 ब्लॉक, ये लिखा रहा है टारगेटेड ब्लॉक -31, 127, 12, -12। सो हमें यहाँ पे चाहिए रहेगी लैडर, लैडर ढेर सारी चाहिए रहेगी, क्योंकि हम सर्वाइवल वाले में मैं बता रहा हूँ, क्रिएटिव में तो मैं किसी तरह ऐसे ऊपर चला जाऊँगा। तो मैं सर्वाइवल के अकॉर्डिंग बता दे रहा हूँ मैं क्या क्या चाहिए रहेगा। एक अच्छा खासा आर्मर चाहिए रहेगा, डायमंड का आर्मर भी चलेगा ही, आयरन का, सॉरी आयरन का चलेगा, डायमंड को तो अच्छा ही है ऑलरेडी। सो हमें यहाँ पे लगा लेना है लैडर कुछ इस तरह से, और जाना है हमें, पहले मैं इसको सर्वाइवल मोड में कर देता हूँ। ओके, अब हमें जाना है सबसे ऊपर, और ये देखना है, ये जैसे हमें लैडर दिख रही है, ऊपर जाओ, लैडर दिख रही, लैडर को जस्ट ये रही है इसका, ये थोड़ा सा ऊपर करके, इतना ऊपर करके हमें एंडर पर्ल फेंक देनी है। हम डैमेज भी लेंगे, इसीलिए मैंने आर्मर पहन रखा था। जैसे एंडर पर्ल फेंकी मैंने, मैं बाहर आ गया हूँ। अब हमें वापस ओवर वर्ल्ड में जाने के लिए, ओके, मैं इसे वापस सर्वाइव और क्रिएटिव में कर देता हूँ, मेरे पास ब्लॉग नहीं है इतने। तो वापस ओवरवर्ल्ड में जाने के लिए हमें एक यहाँ पे पोर्टल बनाना पड़ेगा। बिना पोर्टल के हम ओवरवर्ल्ड नहीं जा सकते हैं, और बेडरॉक तोड़ के जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी सामान लगता है अच्छा खासा सर्वाइवल में। तो ये हम इससे हम वापस वहाँ चले जाएंगे ओवरवर्ल्ड, और वापस हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब मैं बता देता हूँ कि हमें फार्म कैसे बनाना है। ओके, सो अब हमें एक बार नीचे वापस F3 करके देख लेना है कि हम सही जगह पे हैं या नहीं। तो जैसे ही हम नीचे कर रहे हैं, यहाँ पे हमें लिखा आ रहा है माइनक्राफ्ट बायोम लेफ्ट में, बायोम माइनक्राफ्ट क्रिमसन फॉरेस्ट। सो हम ये देख लेंगे। अब हमें यहीं पे बनाना है, तो सबसे पहले हम लगा देंगे अपने चेस्ट, क्योंकि इन्हीं का काम रहता है सबसे ज़्यादा। जितना ज़्यादा तुम्हारा मन चेस्ट लगाने को उतना लगाओ, मैं जैसे यहाँ पे 9 लगा दूंगा। सो मैं 9 चेस्ट हो गए हैं। अब हमें इनमें हॉपर लगा देना है सब पे। अब हमें यहाँ पे हॉपर का 5x5 का एक एरिया बनाना है। ओके, ऐसे हमारा 5x5 का एक हॉपर का एरिया बन जाएगा। अब हॉपर के लिए आयरन लगेगा, आयरन का मेरा फार्म देख लो, उससे तुम्हें पता चल जाएगा कैसे हमें आयरन मिल जाएगा आराम से। अब हमें यहाँ पे लगा देनी है हॉपर के ऊपर सूल सैंड। सूल सैंड की सबसे फायदे वाली चीज़ ये है कि इसके ऊपर अगर हम कुछ सामान गिरता है, तो हम नीचे हॉपर में हमें वो मिल जाएगा। अब सूल सैंड लगाने के बाद हमें इसकी आउटर लेयर बना देनी ग्लास की। ग्लास अच्छा लगता है देखने में भी, और इसके ऊपर कोई स्पॉन नहीं होता है, दो चीज़ें इसकी अच्छी हैं। अब अगर तुम्हारे पास ग्लास की कमी हो, तो एक लाइन छोड़ देना यहाँ पे, ग्लास ढेर सारा है तो कुछ नहीं करना, अपना लगा देना लाइन। ओके, हमने जैसे लाइन छोड़ी थी, अब हमें यहाँ पे लगा देनी आग।
अब बाहर अपने निकलने का रास्ता ले लो और हर उसमें आग लगा देना है। अब ये हमें बनाना था, जैसे मैंने अभी तो दो ही ब्लॉक बनाया है, ये हमें बनाना है तीन ब्लॉक का, तो मैं तीसरा ब्लॉक लगा देता हूँ। ओके, हमारा तीन ब्लॉक का बन चुका है। अब हमें लगाना है कोई भी परमानेंट ब्लॉक, तो मैं फ़िलहाल के लिए तो डायमंड ब्लॉक यूज़ कर ले रहा हूँ। और तीन, और ये हमें लगाने हैं एट टोटल, तो ये तीन हो गए हैं, चार पाँच छः सात आठ, आठ इधर लग गए हैं। ऐसे हमें हर साइड में लगा देना है आठ। अब कुछ इस तरह से दिखेगा हमारा ये ब्लॉक लगाने के बाद। अब हमें पूरा एक इसको स्क्वायर टाइप का प्लेटफॉर्म बना देना है, बीच वाले को कवर नहीं करना है, बीच वाले को बिल्कुल भी कवर नहीं करना है। ओके, सो हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा एरिया, ये एक एक्स्ट्रा लग गया है। सो कुछ इस तरह से एरिया दिखेगा। अब हमें करना ये है कि हमें जितना भी ये कॉर्नर के एरिया है इनको बदल देना है डर्ट से, कॉर्नर के प्लस मिड का, जैसे मिड का ये जा रहा है तो इसको भी बदल देना है। ओके, हमें ये सारा डर्ट से बदल देना है, सबसे इजीली अवेलेबल है डर्ट, इसलिए मैं डर्ट बोल रहा हूँ, नाइलियम ले सकते हो। अब हमें चार ब्लॉक छोड़ के हमें फिर से डर्ट लगा देनी है, हर एक बीच ब्लॉक के बीच में चार ब्लॉक का गैप होगा। So, हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा ये। अब हमें करना ये है कि हमें लगा देना है यहाँ पे वार्ड फंगस, जितनी भी डर्ट है, ये एक्चुअली किसी और उसमें ब्लॉक में लगता नहीं है, डर्ट नाइलियम और इन्हीं पे लगता है, तो हमें इन्हीं पे लगाना रहेगा। तो हम लगा देंगे वार्ड फंगस हर एक डर्ट के ऊपर, कुछ अब ऐसा दिखेगा हमारा। अब हमें इसको कवर कर देना है ग्लास, तो ये ग्लास दो ब्लॉक की हाइट के रहेंगे। ग्लास की ब्लॉक लगाने के बाद पूरा हमने जैसे दो दो ब्लॉक का लगा दिया है, तो हमें कुछ इस तरह का एरिया दिखेगा। अब हमें करना ये है कि हमें लगेंगे ट्रैप डोर, और ट्रैप डोर के साथ हमें एक ऐसे मिड में जो पांचों का मिड वाला ब्लॉक होगा उसके ऊपर हमें रखनी है टॉर्च। अब ट्रैप डोर पायरन के अलावा कोई भी लगा लो, और ऐसे देख के तीन बार क्लिक कर देना, ऐसे इसके ऊपर देखो तीन बार क्लिक कर दो, प्लेस वाली क्लिक। सो अब हमें इनको सारे को खोल देना है। अब हमें या तो हम केवल यहाँ पे एक ब्लॉक लगा लें, या फिर हम पूरा कर सकते हैं, मतलब जैसा तुम्हें सही लगे। एक ब्लॉक से भी काम चल जाएगा, मिड में हमें लगाना है अगर केवल एक ही ब्लॉक लगाना है, और अगर क्या नाम है ढेर सारे ब्लॉक लगाने में ही तरह, तो पूरा का पूरा एरिया ही कवर कर दो और सारे ट्रैप डोर खोल दो। ओके, अब हमें लगानी रहेंगी टॉर्चेस, तो टॉर्चेस का तरीका मैं बता दे रहा हूँ। एक इसके जस्ट बगल में, और जो बीच वाला है इसके सामने। कॉर्नर वाले के सामने हमें कुछ नहीं लगाना है, ऐसे जस्ट इसके अपोजिट कर देना है, ये प्रिवेंट करेगा पिगलिन का स्पॉन होने से। ओके, ये जैसे हमने दोनों साइड कर दिया, अब हमें करना रहेगा इस वाले फंगस के सामने हमें पूरे के पूरे ब्लॉक्स में टॉर्च लगानी रहेगी, यहाँ तक दूसरे फंगस के सामने तक। ऐसे हमें मिड में भी करना रहेगा, लेकिन मिड में जैसे बीच में गैप है तो उसको छोड़ देना है और फिर आगे कवर कर लेना है, और लास्ट वाले में भी ऐसे ही हमें पूरा का पूरा ब्लॉक में लगा देनी टॉर्चेस। ओके, ये हमारा इतना एरिया हो गया है,
अब हमें दूसरी तरफ लगानी टॉर्चेस, अब मैं बता दे रहा हूँ इसका भी। ये जैसे ये फंगस, इसके हमें डायगोनली लगाना है कॉर्नर वाले के, और जो बीच वाले फंगस हैं इनके दोनों डायगोनल में लगा देना है। ज़्यादा दूर नहीं, जैसे नहीं लगा दिया था। और इसी तरह मैं उसके जस्ट अपोजिट साइड भी कर देना। और ये हमारा फार्म हो गया है पूरा रेडी। अब इसको चेक करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें सबसे पहले यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट कर देना है, और जो बिल्ड लिमिट है वहाँ तक अपना बना लेना है एरिया 255 बाई। ये देखो स्पॉन होने लगे हैं अभी से, और परमानेंट कोई भी ब्लॉक हो उनसे, उससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो हम बना लेते हैं तब तक। जैसे मैंने डायमंड ब्लॉक यूज़ किया है तो तुम अपना कोई भी ब्लॉक यूज़ कर सकते हो। जो बिल्ड लिमिट में पहुंच के हमारा फ़ायदा ये रहेगा कि हमारे किल फार्म में ही स्पॉन होंगे और कहीं स्पॉन नहीं होंगे। सो बिल्ड लिमिट आ गई है। अब हमें जाना है इसके मिड में, जहाँ पे हमारा मिड एरिया है। तो चाहो तो नीचे से देख लो कि कौन सा मिड वाला ऑपर है, और जस्ट उसी के ऊपर खड़े हो जाओ जाके, या फिर चाहे ऐसे ही जस्ट इसके मिड के अंदाजे लगा के काम चला लो। सो अब देखो यहाँ पे हमारे ढेर सारे हॉगलिन स्पॉन हो रहे हैं, और ये हमारा फार्म रेडी हो चुका है। अब देखो मैं इतना, मैं अभी अभी सिर्फ मैंने इतना बनाया, मैं टोटल बता ही देता हूँ कि अभी कितना हमारे पास आ गया होगा। ओह, ये जैसे स्पॉनेबल ब्लॉक है तो इसके ऊपर ये पिगलिन आ गया है, तो हमें इस पिगलिन को मार देना है। और यहाँ पे जो अपने हमने बनाया है उसको हमें ग्लास से कवर कर देना है, ताकि यहाँ पे कोई और स्पॉन ना हो। सो हम लूट देखने आ रहे थे, और पिगलिन ने मेरा ध्यान हटा दिया। 21 इसमें, 24 इसमें, और एक लेदर है। इन 75 हमें एक स्टैक तो मिल गया पॉक शॉप का, और लेदर हमें 3 मिल गए हैं। सो केवल इतनी बनाने में हमें इतना जब मिल रहा है, तो अगर सोचो आधा घंटे या 1 घंटा में एफ के रहे तो हमें कितना मिलेगा। सो मुझे एक चीज़ और बतानी थी, वो था ये कि मैंने एक नया वर्ल्ड बनाया है, सर्वाइवल वर्ल्ड ही बनाना चाह रहा था मैं, लेकिन थोड़ा सा क्रिएटिव से मैंने अपने वर्ल्ड की चीज़ें बना ली हैं, क्योंकि मेरे वाले जो वर्ल्ड था वो पुराना वर्जन का था, तो मुझे कई चीज़ें मिल नहीं रही थी नए वर्ल्ड, नए अपडेट में। जैसे कॉपर और ये आया है, एमेथिस्ट आया है, ग्लोबेरी आई है, चीज़ें मुझे मिल नहीं रही थी। तो उसकी वजह से मैंने एक नया वर्ल्ड बना लिया, और जितने मैंने पुराने फार्म्स बनाए थे उन्हें मैंने उसी वर्ल्ड में डाल दिए हैं, बना दिए हैं, मतलब डाल के दिए हैं। तो अब जितने मैंने पुराने फार्म्स थे उसके अलावा फिर मैं वापस सर्वाइवल में स्विच कर जाऊंगा, और मैं बाकी नए जितने फार्म्स रहेंगे उन्हें सर्वाइवल बनाऊंगा। हॉगलिन का भी फार्म मैंने बना रखा है, उसमें वो वीडियो की दिक्कत की वजह से मैं उसे अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो मुझे नया बनानी पड़ी वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।